तो ये दिल्ली जाते सेक्टर 62 में। गाने के साथ बैटरी और सब कुछ है, सही है यार। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सब, मैं होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज का मौसम कुछ इस तरीके का है, धूप कम निकल रही है, तो मैं जा रहा हूँ अपनी फूफी के घर। अभी धामा और मतलब धामा छोड़ने जा रहा है हमें, और पूरा जा रहा है अपने दिल्ली एमपी जा रहा है। अबे ट्रेन कब की तरी? ट्रेन मेरी रात को 8 बजे है शाम को। तो ये जा रहा है एमपी, जा रहा है ना एमपी। हाँ। तो पहले दिल्ली जाएगा, इसको जोया छोड़ेंगे और मैं भी मतलब जोया उतरूंगा। तो अभी बाइक बैठते हैं फिर यहाँ से चलते। तो हम जोया आ गए हैं, अभी हम पूरे को छोड़ने जाएंगे, मतलब ईको से जा रहा है। तो अभी बाइक यहाँ खड़ी करिए, चल अभी चल लल्ला तुझे छोड़ कहाँ है, ईको देख ली तो कहाँ खड़ी है, मामा खड़े बेटे ये खड़े ये रहे। तो इसे ईको में छोड़ कर आना है क्योंकि दिल्ली दिल्ली ईको जाती है। जा बेटे खड़ी है सामने, देख क्या है रोड को। तो ये दिल्ली जाती है 62 सेक्टर 62 में, अभी बात कर रहा है। कितने पैसे? तो इसे बिठा तो दिया हमने गाड़ी में, ही बैठा। हाँ भाई कारल्ला चल चल बात हम। हाँ यार चलते हैं घर, मुझे छोड़ के निकलिए ना। चलो आ बैठा, ट्रक ब्रक आ रहे हैं बेटा, देखिए पूरा जमाला भर गया, देख के निकलिए। तो अभी मैं पैसे चेंज कराने आया था, ये चेंज करा लिए इसको, अभी उसको पैसे देने थे मतलब 100 रुपए। तो सामने खड़ा हुआ है, उसको पैसे देंगे, ये मेरे को छोड़ कर फिर जाएगा। एक ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। आवे लल्ला चला फिर, चल मुझे छोड़ दे जल्दी। चल आराम से जाइए। तो माँ आगे घर देखो, ये वाला घर है अंदर। अस्सलाम वालेकुम, था तो अभी मैं बाहर ग्राउंड में आया हूँ, तो मैं दिखाता हूँ पूरा। ये सामने खड़ी है भैया की, जो मेरे बड़े वाले भैया हैं उनकी कार खड़ी है बैगनार। और ये जो ग्राउंड है ना यहाँ ना, वो लगता है मतलब जो शादी वगैरह होती है डीजे लगता है, और इधर सूर्य लाइट लगी है जो मतलब गांव के प्रधान वगैरह लगाई, और ये पूरा घर है देखो। तो अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, इसी वजह से मैं सो गया था और मैंने फ़ोन अपना चार्जिंग पर लगा दिया था, तो अभी मैंने चार्ज पे हटाया और मैं बाहर आया था दिखाने के लिए आप सबको। तो अभी छत पे भी चलेंगे, छत पे भी दिखाऊंगा, तो पहले अंदर का दिखा देता हूँ। तो ये लगता है शाम के टाइम हुक्का, तो फूफा वगैरह यहीं पे बैठते हैं, और क्या नाम है हुक्के की मतलब पार्टी जो होती है रोज़ की रोज़ बात ही। और ये दुकान है मतलब यहाँ पे बाइक वगैरह खड़ी होती है। तो अभी ये देख लो इधर सामने घर खाली पड़ा हुआ है, अभी यहाँ शादी वगैरह होने वाली है थोड़े दिनों में, तो देखते हैं अगर अटेंड करेंगे नहीं करेंगे वो बाकी बात की बात है। अभी छत पे भी चलेंगे क्योंकि आज की मतलब जो धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, शाम को नहीं रात को ऊपर ही छोएंगे छत पे। तो देखते हैं, अभी दानिश गया लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। तो भाई साहब अभी शाम के बज रहे 6 और मैं अभी उठ के आया था छत पे क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और लाइट वगैरह कुछ नहीं आ रही। तो अभी छत का सीन दिखाता हूँ, सबसे पहले एक सीन दिखाऊंगा, ये देखो टंकी में बैठा हुआ बंदर दिख रहा है वहाँ इधर, मतलब इतनी देर से बैठा हुआ ये मतलब करे जा रहा है, इधर से बच्चे परेशान कर रहे हैं उसको बंदर को कि पता नहीं क्या क्या बोल के परेशान करते रहते हैं। देखो तो ये पूरी छत है, ये वाली छत है और ये पूरी जॉइंट है इधर से छत उधर। तो रात को हम वापस आएंगे, अभी देखते हैं मौसम, देखो कितना प्यारा हो रहा है, नीला नीला और बादल निकल रहे, तो इसी वजह से आ गया था। तो छत पे अभी मतलब हवा चल रही है, गर्मी वगैरह कुछ नहीं लग रही, तो यहाँ थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है, इस वजह से हम आगे बैठ गया। और देखो अभी बच्चे उसे परेशान करने जा रहे हैं बंदर को, देखो इधर सामने बैठा है छत पे टंकी पे, देखो 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 मतलब काफ़ी टाइम हो गया उसका, 1 घंटे ज़्यादा हो गया बैठे बैठे। तो उधर से बच्चे परेशान करे जा रहे हैं उसको। तो अभी दानिश वगैरह लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी से भी आया नहीं है, तो अभी आया था तो शायद उससे मिलूंगा या कल मिलूंगा, देखते हैं जैसा भी होगा बताऊंगा। तो अभी देखते हैं लाइट वगैरह आती नहीं आती क्योंकि फ़ोन भी मेरे को चार्ज करना है, थोड़ा सा फ़ोन डाउन हो गया था क्योंकि मैं रेगुलर यूज़ कर रहा था मतलब वीडियोज़ वगैरह देख रहा था, क्योंकि यहाँ टी वी वगैरह भी है नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो टी वी हो गया था ख़राब। तो अभी देखते हैं क्या करते क्या नहीं करते, अभी नीचे चलेंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर बैठ के मतलब जब अंधेरा वगैरह हो जाएगा जब जाएंगे। तो अभी भी ये बंदर यहीं बैठा हुआ है, ये देख लो
परेशान करते हैं बच्चे। और इनके गांव में भी तालाब है, वो शायद कल दिखाऊंगा।